one of the India's oldest and third largest tribe, जो बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ट्राइब की जो फेस्टिवल्स के टाइम पर अपने घरों की दीवारों पर चित्र बनाते हैं। इस आर्ट का नाम है सांथल आर्ट, सांथल पेंटिंग, जो कि सांथल ट्राइब्स के द्वारा बनाई जाती है। सांथल ट्राइब बहुत मेहनती, दिन भर मेहनत करके शाम को उनको चाहिए नाच गाना और म्यूज़िक लवर ट्राइब। तो दिन भर की मेहनत के बाद शाम को उनका जो नाच गाना होता है वो सब उनकी पेंटिंग में भी नज़र आता है। इसीलिए सांथल पेंटिंग में दिखते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी डेली लाइफ। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये काम करते हुए लोग, और ये हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो उनकी सारी पेंटिंग्स में नज़र आते हैं। जैसे कि ये है तमक, जो एक तरह का छोटी सी डपली होती है, और ये बड़ा ढोलक जिसको तुमड़ा बोलते हैं। तुमड़ा उनकी मैक्सिमम पेंटिंग्स में नज़र आएगा आपको, हंसते गाते नाचते हुए। बेनम और इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बांसुरी, ड्रम, घंटी, बांसुरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है सांथल, मतलब लगता है सांथल्स जो होते हैं उन्हें बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, तो उनकी पेंटिंग में आपको ये सब देख जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी कलर्स के साथ पेंटिंग में होते हैं लीफी पैटर्न्स बैकग्राउंड और बॉर्डर्स के साथ। सबसे ज़्यादा जो इसमें दिखता है वो है डेली लाइफ। तो ये देखें आपने, इसके इंस्ट्रूमेंट्स, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सांथलीज के पास, तो डेफिनेटली म्यूज़िक लवर तो होंगे ही। तो ये सारे जो आपने अभी इंस्ट्रूमेंट्स देखे, ये सब आपको अभी सांथल पेंटिंग्स में भी नज़र आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सांथल पेंटिंग के बारे में, जिसमें दिखाई जाती है डेली लाइफ। डेली लाइफ में हंसते गाते नाचते लोग, मेहनत करते, और उनके साथ नज़र आते हैं पशु पक्षी, स्पेशली बर्ड्स, एनिमल्स, और इवन इंसेक्ट्स भी फीचर्ड होते हैं सांथल आर्ट में। वो भी इतने सिंपली ड्रॉन होते हैं कि लगता है किसी मासूम से प्यारे से बच्चे ने बनाया हो, और वो भी एक्चुअल नहीं, क्रिएटिव, मतलब इमेजिनरी, मतलब किसी भी बर्ड की कुछ भी शेप, ह्यूमन फिगर्स को कैसे भी तोड़ मरोड़ के, लाइक उनकी फिगर्स कैसे भी जैसे उनकी इच्छा होती वैसे बना देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे फिश और एनिमल्स के सिर जोड़ के बना दिए। तो ये सीधे साधे ट्राइबल पीपल की नॉर्मल डेली लाइफ है। इसमें जैसे जलाने की लकड़ी, पानी ले जाती फीमेल्स, उनके पशु पक्षी, बैलगाड़ी, नाचना गाना, पानी भरना बैलगाड़ी पर, इंसान पेड़ के नीचे नाचना गाना, खेती करना, शिकार करना, पानी भर के लाना, खेती बाड़ी करना, पतंग उड़ाना, और डोली ले जाते हुए लोग, मतलब उनकी इन सांथल पेंटिंग को देख के लगता है कि सांथल्स कैसे लाइफ जीते होंगे। कुल मिलाकर फैमिली और फैमिली बॉन्डिंग को दिखाते हैं ये सांथल। तो ये जो फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली लाइफ और ये सब चीज़ें सांथल पेंटिंग में दिखाई जाती है, इससे सांथल जो पेंटिंग है वो एक लाइवली पेंटिंग बन जाती है। हंसते गाते नाचते लोग, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब कुछ तो है इसमें। कलर स्कीम में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई भी जानवर, कोई भी पंछी किसी भी कलर में बना दिया जाता है जो पेंटर को समझ आए। कई बार एक ही पंछी, अगर तोते हैं तो लाल पीला हरा किसी भी रंग का हो जाएगा तोता, मछली भी रंग बिरंगी, मतलब मछली, तोता, मोर, जिस पे जैसा मन चाहे लाल पीला हरा रंग बनाए जा सकते हैं, कोई कलर स्कीम नहीं होती। पर कलर्स हमेशा बहुत वाइब्रेंट होते हैं। कलर्स एज यूजुअल प्लांट्स, स्टोन्स, फ्लावर्स, इन सब से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मिट्टी, तरह तरह की गेरू मिट्टी। तो इस तरह से इसके जो कलर्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मोटिव्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें वो होते हैं म्यूज़िक लवर होते हैं, और इसमें बैकग्राउंड भी है, इसमें बॉर्डर्स भी हैं,
इसमें डेली लाइफ भी है, इसमें फूल पत्ती पशु पक्षी इंसान, आपको इसमें लोग काम करते हुए हमेशा हर कोई बिजी दिखेगा शिकार करते हुए, मतलब सांथल पेंटिंग में कोई भी आपको शांति से बैठा हुआ इंसान नहीं दिखेगा। तो जो ये सांथल्स हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, इससे ये पेंटिंग बहुत लाइवली हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया ये पहले इनकी झोपड़ियों की दीवारों पे बनाए जाते थे, धीरे धीरे उन्होंने इसे कपड़े और कागज़ में उतारना शुरू कर दिया और आज के टाइम पे तो बहुत सारे होम डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में भी सांथल पेंटिंग नज़र आती है। तो ये वेस्ट बंगाल की कालीघाट और दूसरी पेंटिंग के हिसाब से तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत मासूम से पेंटिंग है, पर इसके वाइब्रेंट कलर्स और वाइट से हाईलाइट करते हैं। सांथल पेंटिंग में जो ह्यूमन फिगर्स होती है उनको उनकी ज्वेलरी को उनकी आईज वगैरह वाइट कलर मतलब बहुत ब्राइट वाइट कलर से इसको दिखाया जाता है पेंटिंग में, वो आँखों को बस अपनी तरफ खींच लेती हैं वो वाइट जो एक कलर निकल के आता है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सांथल वुमेन जो है दीवारों को रंग रही है अपने घर की, ये फेस्टिवल टाइम में इस तरह से अपने घरों की दीवारों को सजाया जाता है सांथल ट्राइब में। ऐसे ही जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने शांति निकेतन के पास के गांव में संथल्स को देखा और इसी तरह से उन्होंने उनके घरों की दीवारों पर जब इन पेंटिंग्स को देखा तो उन्होंने वहां जाकर ना सिर्फ इन पेंटिंग्स को अप्रिशिएट किया बल्कि इनको बचाए रखने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास करे, उन्होंने शांति निकेतन में भी इसको जगह दी। शांति निकेतन के अंदर ही उन्होंने कुछ खास दो तीन पेंटर्स सांथल जो ट्राइब के जो ट्राइबल लोग थे जो अच्छी पेंटिंग बनाते थे उन्होंने शांति निकेतन में ही उन्हें रखा और उनकी से पेंटिंग्स बनाई और शांति निकेतन में सजाई भी। आज भी शांति निकेतन के पास सांथल ट्राइब की पेंटिंग देखी जा सकती है, उनका एक अलग सा सेक्शन है और उनकी पेंटिंग वहाँ पर सजी हुई है। तो ये देखिए फिगर्स में कहीं से कुछ भी आप कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी, पर कितना मासूम जैसे किसी बच्चे ने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से ये पेंटिंग बनाई हो, कितना बड़ा चूहा। तो इस तरह से सांथल पेंटिंग में इमेजिनेटिव होता है सब कुछ, मतलब अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से पेंट किया जाता है पर डेली लाइफ को ऑक्यूपाइड लोग बिजी लोग कोई खाली बैठने को तैयार नहीं, इतने मेहनती वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, इसीलिए इनकी ज़्यादातर पेंटिंग्स में डांस करते हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नाचते गाते लोग ही नज़र आते हैं, कितना लाइवली कितने हैप्पी पीपल। और इन्हीं के हैप्पीनेस और इन्हीं के लाइवलीनेस की वजह से जो सांथल पेंटिंग है और पेंटिंग से अपने आप को अलग करती है। फिगर्स की जैसे मैंने बताया कि कुछ भी शेप ज़रूरी नहीं है ह्यूमन फिगर की नॉर्मल शेप, कर्वी बहुत कर्वी मतलब डांस में खोए हुए लोग, इस तरह से ये पेंटिंग की जाती है। आप नेचुरल कलर्स देख ही सकते हैं, कलर्स बहुत वाइब्रेंट मतलब एक बहुत ही डेयरिंग वाले कलर्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब नॉर्मल लाल पीला हरा नहीं डेयरिंग, उसमें बड़ा मिक्सचर होगा। वैसे कहते हैं जो ओरिजिनल सांथल था उसमें सबसे पहले किसी भी मोटिव को ब्लैक पेंट करते थे, उसके ऊपर दूसरा कलर किया जाता था जिससे वो उभर के आए, बहुत डेयरिंग लगे कलर। तो इस तरह से जो सांथल पेंटिंग है वो कालीघाट पेंटिंग जैसी होते हुए भी उसे काफ़ी अलग है, बहुत मासूम प्यारी सी बस खाली सी पर बहुत ही सुंदर, बड़े प्यार से पूरी सांथल ट्राइब को दिखा दी। आशा करती हूँ अच्छा लगा।